तर फैजल खान सर आहेत जे हेड ट्रेनिंग ऑफ प्लेसमेंट ऑफिसर आहेत. आपण त्यांना विचारूया की इकडल्या स्टुडंटना ते कुठल्या प्रकारे मदत करतात जॉबसाठी. इस इनिशिएटिव के अंडर हमने पिछले 30 साल के अंदर मोर देन 1500 स्टूडेंट को प्लेस किया फ्री ऑफ कॉस्ट. और हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट ये है कि मोर देन 5000 स्टूडेंट को प्लेस करें और 5000 घर में हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें. जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना. तो जॉब फॉर यू का भी आप विजन देखोगे तो यही है कि एक एम्प्लॉयमेंट नेशन के लिए क्रिएट हो. और हमने उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस करवाते हैं. तो सारी प्रैक्टिसेस हमारे जॉब फॉर यू के अंडर आती है. पर ये सारा इनिशिएटिव हमारा एपी शाह इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के अंडर होता है. इसके लिए ये जो रशिया का टूर था ये बच्चों को हमने इसलिए प्रोवाइड किया कि हमारे बहुत एक्टिव कोलैबोरेशन है एपी शाह इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी. यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी इन रशिया. इसका सिविल डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड हमारा जो कोलैबोरेशन है ये स्टूडेंट एक्सचेंज, रिसर्च एक्सचेंज, साइंस एक्सचेंज, इसके थ्रू हमने बच्चों को भेजा. एंड मोटो बिहाइंड दिस के इंडिया के बच्चे सिर्फ इंडिया की नॉलेज के सीमित ना रहे, उनका कॉम्पिटिशन ग्लोबली हो, उनका कॉम्पिटिशन दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है उन्हें पता चले, वो जानने के लिए, वो पहचानने के लिए उनके लिए हमने एक कोलैबोरेशन किया. एंड ऑन रिजल्ट वी गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिविल डिपार्टमेंट फ्रॉम एपी शाह कॉलेज स्टूडेंट एंड फर्स्ट प्राइज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट टू एपी शाह स्टूडेंट. सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि हमने बच्चों को चांस दिया, उन्हें मोटिवेट किया और उन्होंने उस चांस को ग्रैब करके 2 वीक के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दिया. मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि हमें बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए, हमें उन्हें हर चीज़ में टोकना चाहिए. अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, बूस्ट करें, तो इंडिया के पास बहुत टैलेंट है और वो टैलेंट को जहाँ जाएंगे उस टैलेंट का अच्छे से अच्छा यूज़ करेंगे. सो आई प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एपी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी.